हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी मस्त और स्वस्थ हूँ। तो मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी आप लोगों को। थंबनेल से तो पता लग ही गया है कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ दोस्तों। तो जो है ये वीडियो जो है नए क्रिएटरों के लिए है दोस्तों। जैसे हम नए हैं, जैसे और लोग भी नए हैं, तो नए लोगों को छोटी छोटी चीज़ों का जो है पता नहीं होता है, क्योंकि बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं वो लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों को कहाँ बताते हैं, वो लोग इतना डिटेल में नहीं बताते हैं। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के छोटी छोटी क्रिएटरों को मेरे बताने से अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मिलती है, तो आप लोग उसके लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ मुझे इसकी जानकारी मिली है, नहीं अच्छी जानकारी है, कुछ भी जो भी आप लोग कमेंट में होगा वो ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि नए चैनल वाले जो होते हैं वो लोग सोचते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं कि जो है मेरा कब चैनल मोनेटाइज हो जाए, फर्स्ट टाइम जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर तो हर कोई दोस्तों किसी न किसी तरीके से तो कर ही लेता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है कंप्लीट नहीं होता है। वो फर्स्ट टाइम कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात होती है, वो जल्दी से पूरा ही नहीं होता, किसी का भी नहीं पूरा होता है। और जैसे नए लोग होते हैं, अभी 100 ही सब्सक्राइबर नहीं हुआ, वो चैनल मोनेटाइज के पीछे पड़ जाते हैं। चैनल मोनेटाइज के पीछे दोस्तों अगर भागोगे तो कुछ नहीं होगा, ये तो बात हकीकत है। ये बात जो भी कहता है अगर कि चैनल मोनेटाइज के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं होगा, चैनल मोनेटाइज के पीछे आपको भागना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जैसे आपको अपने वीडियो पर व्यू लाना है, आपको अपने वीडियो पे व्यू जितना बढ़िया आप अगर आप व्यू लाओगे उतना ही बढ़िया आपका सब कुछ होगा। जितना लेट होगा आपका चैनल मोनेटाइज दोस्तों उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर चैनल अगर आपका देरी से मोनेटाइज होगा, व्यू अच्छे आते हैं तो उसका डॉलर भी अच्छा बनेगा। आप चैनल मोनेटाइज करके क्या करोगे? जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा व्यू आते ही नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, जब डॉलर ही नहीं बनेगा। सालों साल, दो दस साल लग जाएंगे डॉलर बनने में, जब तक 100 डॉलर होगा नहीं तब तक आपके अकाउंट में आएगा ही नहीं, तो आप मोनेटाइज के पीछे क्यों भाग पड़े रहे हो? और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जैसे कि एक आसान तरीका बता रही हूँ, जैसे कि अगर हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, हमारी वीडियो वायरल नहीं जाती है, हम वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए हम जो है लंबा वीडियो बनाते हैं, तो लंबा वीडियो बनाते हैं जब लंबा वीडियो भी व्यू नहीं जाता है, वॉच टाइम कंप्लीट हो तो कैसे कैसे हो। अगर हम लंबा लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, इतने मेहनत से शूट करते हैं, एडिट करेंगे, थंबनेल बनाएंगे, उसके बाद जो अपलोड करेंगे, उसके बाद कोई एक दो आदमी देखे और उससे कुछ ना हो तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उस पर कोई हम अगर उसको वीडियो बनाते हैं, उस पर अच्छे खासे व्यू जाते हैं, तो हमारा वॉच टाइम पूरा होगा ना। हमें जानता कौन है कि जो हमें देखेगा? कोई नहीं देखेगा। तो हमें इसके लिए आपको जो है शॉर्ट वीडियो बनानी है दोस्तों। जो छोटे क्रिएटर है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है आप लोग शॉर्ट वीडियो का बनाइए और शॉर्ट वीडियो अपलोड कीजिए। अगर जब एक बार शॉर्ट वीडियो आपका अच्छे से वायरल हो जाएगा, तब जाके जो है आपका जब फेस वैल्यू बन जाएगा दोस्तों, तो हो सकता है कि आपकी वीडियो तब चलने लगी। शॉर्ट वीडियो के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे से एकदम करिए, जो भी करिए। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर शॉर्ट वीडियो चलेगा ना तो इंटरटेनमेंट, जैसे कहने का मतलब अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो वो जल्दी से चलेगा। अगर जल्दी सक्सेस पाना है तो कॉमेडी वीडियो बनाइए, उस पर जल्दी से सक्सेस मिलेगी। अब जब आपका वीडियो शॉर्ट वायरल होने लग जाएगा तब आप जो है करिए। कहने का मतलब यह है कि जब हमारी शॉर्ट वीडियो को हम 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जो भी का बनाते हैं, 1 मिनट से कम का ही बनाते हैं शॉर्ट वीडियो, जब हमारा उस पर व्यू नहीं जा रहा, हमें उस पर कोई नहीं देख रहा, 10 सेकंड, 15 सेकंड के वीडियो में जब 4 सेकंड, 5 सेकंड हमें कोई देख रहा है, तो हमारा वीडियो लॉन्ग वीडियो 12 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, ये कौन देखेगा? हमें कोई नहीं देखेगा हमें। तो इसलिए मैं कह रही हूँ दोस्तों कि आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस शॉर्ट वीडियो पर बनाइए और शॉर्ट वीडियो को जो है अच्छे से बनाइए। मतलब जितना हम टाइम लॉन्ग वीडियो को देते हैं, यही टाइम जो है इतना ही दिमाग खर्च, इतना ही टाइमिंग अगर हम शॉर्ट वीडियो को दे दें और अच्छे से दे दें, हमारा शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाएगा दोस्तों। जब हमारा शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाएगा, जब हमारा चेहरा जब फेमस हो जाएगा, तब जो है हम अपना, तब हम ब्लॉग अगर शूट करेंगे ना, तो हमारा चेहरा देखे लोग रहेंगे, तो हमारा ब्लॉग भी देखेंगे, सोचेंगे कि भैया ये इतनी बार, तब हमारे रहन सहन पे जाएंगे कि ये कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जो भी कुछ भी हो, तो तब इस तरीके से वो हमें देखेंगे, अन्यथा कोई नहीं देखेगा। 3-4 लाख हो जाता दोस्तों लोग सब्सक्राइबर हो जा रहा, वो लोग वीडियो या ब्लॉग या जो भी कुछ बना रहे हैं उनका तो लाख तक जाता भी नहीं है, 1000 में ही रह जाता है ब्लॉग, हमारा क्या जाएगा? हमारा तो कुछ नहीं वायरल है, तो हमारा क्या जाएगा? हमारा कुछ नहीं जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही एक तरीका बताना चाह रही हूँ कि आप लोग शॉर्ट वीडियो बनाइए और खूब बनाइए,
और एकदम ज़बरदस्त एकदम मेहनत कीजिए और शॉर्ट वीडियो बना के आप लोग अपलोड कीजिए। आप लोगों का एक ना एक दिन तो ज़रूर वायरल होगा दोस्तों, जो मेहनत करेगा वो उसका ज़रूर होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन होगा ज़रूर। आप लोग डीमोटिवेट मत होइएगा, जैसे कि चैनल बनाए हो गया, सब्सक्राइबर जो बढ़ रहे हैं वास्ट टाइम में डरे इधर उधर, मतलब सोचते इतना टाइम हो गया भैया चलो डीमोटिवेट हो गया यूट्यूब छोड़ दिया, तो ऐसा मत करना। ऐसा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ उम्मीद ही बहुत है। कम से कम ये तो रहेगा यार हम कहीं काम कर रहे हैं कुछ तो हमारा होगा तो उम्मीद पे जीना ठीक है, बिना उम्मीद का जीना क्या जीना दोस्तों। तो इसलिए मैं कह रही हूँ यही थी एक छोटी सी मेरी जानकारी। आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी, अगर आप लोग को अच्छी लगी तो एक वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और मिलती हूँ किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।